गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 10 पवित्र तुलसी के पाठ की रीडिंग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ग्रामर पोर्शन कराया था, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम हिंदी रीडर को लेंगे और उसके पाठ 10 के पवित्र तुलसी की रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से बुक रीडिंग करेंगे। तो ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे पवित्र तुलसी। हमारे आंगन में एक ऊंचा गमला बना हुआ है, उसमें माता जी ने तुलसी का पौधा लगा रखा है। माता जी प्रातः काल स्नान करने के बाद तुलसी में जल डालती हैं। जल डालकर वे हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करती हैं। बाद में उसके पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाती हैं। सायंकाल यानी शाम के समय माता जी गमले पर दीपक जलाकर रखती हैं। वे तुलसी के गमले को लीप पोतकर बड़ा साफ सुथरा रखती हैं। तुलसी का पौधा बहुत बड़ा ही नहीं होता। क्या? तुलसी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, यानी ये लंबाई में बहुत बड़ा नहीं होता है। यह लगभग 2-3 फुट ऊंचा होता है। इसकी बहुत सी टहनियां चारों तरफ फैलती हैं। तुलसी के पत्ते गुलाई लिए हुए और छोटे होते हैं। इसकी प्रत्येक डाल पर फूलों की एक बाल निकलती है जिसे मंजरी कहते हैं। बच्चों, आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, सबके घरों में लगभग तुलसी के पौधे होते हैं। तो मंजरी जैसे उसमें छोटे छोटे बीज जैसी एक निकली होती है उसको कहते हैं। मंजरी में बड़ी मीठी गंध यानी खुशबू होती है। जब मंजरी पककर सूख जाती है तब बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। वर्षा के दिनों में इन्हीं बीजों से सैकड़ों छोटे नए पौधे उग जाते हैं। तो जो मंजरी होती है ना तुलसी के पौधों में, अगर उसके बीजों को हम गमले में वापस बो दें या मतलब वो गिर जाए नीचे और चारों तरफ बिखर जाए, तो उन्हीं से ही तुलसी का और नए नए पौधे उग आते हैं। तुलसी की पूजा करने का आधार पौराणिक है। पौराणिक बहुत पुराना। इस प्रकार के आधारों पर हम पूजा तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा की ओर प्रवृत्त होते हैं। इससे जीवन में बुरे कर्मों से बचे रहने का संदेश मिलता है। इसके साथ ही तुलसी एक जीवन रक्षक औषधि है। जीवन रक्षक यानी जीवन को बचाने वाली दवाई, औषधि दवाई। जिस आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ रोग के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। यानी जहाँ पर तुलसी का पौधा हो जिस घर में, वहाँ बीमारी कम होती है। जो रोग, जो कीटाणु हम बीमार करते हैं वो प्रवेश नहीं करते, यानी आते नहीं है। तो बच्चों, ये हो गई आपकी 1 पेज की रीडिंग, चैप्टर नंबर 10 और पवित्र तुलसी की रीडिंग। आपको ये रीडिंग अपने घर पे
अच्छे से करनी है सभी बच्चों को बुक से। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से रीडिंग करेंगे। और ये जो रेड कलर के शब्द हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे कठिन शब्दों के रूप में। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि टुडेज रीड चैप्टर नंबर 10 पवित्र तुलसी एंड राइट हार्ड वर्ड, जैसे परिक्रमा, प्रतीक, इनको आपको कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।